పాకిస్తాన్తో చర్చలు జరపాలనే మాట మాట్లాడితే తమకు జాతి విద్రోహులుగా చిత్రీకరిస్తున్నారని ఆరోపించారు జమ్మూ కశ్మీర్ సీఎం మెహబూబా ముఫ్తీ. ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉగ్రవాదుల చేతుల్లో కశ్మీర్ ప్రజలు జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోవాలని ప్రశ్నించారు. కశ్మీర్ సమస్యకు చర్చలు తప్ప మరో మార్గం లేదన్నారు ముఫ్తీ. कि एक तरफ से हम कहते हैं कि जितने भी मिलिटेंट आते हैं या आए हैं, जो कल भी मिलिटेंट वहां मारे गए वो पाकिस्तान के हैं. दूसरी तरफ से जब हम ही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो, क्यों भेजते हैं वो ये मिलिटेंट? जैसे वाजपेयी जी ने उनसे एक एश्योरेंस ली थी अपने टाइम में कि अब हम इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, पाकिस्तान की जमीन को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे. कभी किसी ने उस वक्त तो कोई एंटी नेशनल बात नहीं होती थी. आज जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग पिस गए हैं. कल भी बॉर्डर पे एक औरत मारी गई, कल भी हमारे कोई मेरे ख्याल में 5-7 जो हैं लोग इस एनकाउंटर में मारे गए, जो हमला हुआ वहां सुंजुआ में, और आज दूसरा चल रहा है वहां भी हमारा एक सीआरपीएफ का जवान वो भी शहीद हो गया. तो अगर हम लोग नहीं कहेंगे बातचीत करो तो कौन कहेगा? बिहार का तो कोई नहीं कहेगा, पंजाब का तो कोई नहीं कहेगा. और इस माहौल में जबकि बातचीत का नाम लेना ही एंटी नेशनल समझा जाता है, वहां पर इस मुल्क के कई लोग मिले और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करना होगी, ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे. मुझे मालूम है शाम को महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल क्यों, क्योंकि वो कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मरने दो, बॉर्डर पे मरने दो, फिदायीन अटैक्स में मरने दो, मगर पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात मत करो. ये कौन कहेगा? ये कौन सा लीडर होगा जम्मू कश्मीर का जो ये कहेगा कि हमारे लोगों को दिन रात मरते रहे, शहीद होते रहे, बॉर्डरों पे हमारे फौज, हमारे सिविलियन शहीद होते रहे, अंदर भाई आर्मी ने क्या किया? आर्मी क्या करती? जब कोई फिदायीन अपनी जान को वो अपने उसमें लेके चलता हो कि मुझे मरना और मारना है, तो उसमें तो कोई देर इज नो फुल प्रूफ सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट. कि आप जब आप मरने के लिए आते हैं, मारने के लिए